बस्मीम नाजरीन अल्लाम वरम् वबरक़ू आप सबका चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न टू में खैर मकदम है व्यूअर्स आम तौर पर ज़िंदगी में हमने कभी न कभी या किसी न किसी शख्स से जब रब्ता किया है या तो हमने उसको कभी मुंह पर पागल कहा है या तो कम से कम अपने जहन में उसकी तारीफ़ कुछ ऐसे लफ्ज़ों से ज़रूर की है और मज़े की बात यह है कि हमारा मैार किसी को पागल कहने के लिए कुछ ही कंडीशंस पे मैसर होता है या तो वो हमारी बात नहीं समझता या वो हमारी बात नहीं मानता या वो खुद की मर्जी का मालिक होता है लेकिन आज हम ऐसे पागलों की बात नहीं करने वाले क्योंकि इसकी फहरिस्त में तो फिर शायद हम सब ही शामिल हो सकते हैं आज की हमारी गुफ्तु एक ऐसी संजीदा और सिवियर मेडिकल कंडीशन के बारे में है जिसमें पेशेंट अपने आपे से बाहर हो जाता है ये जहनी बीमारी खुद पेशेंट को और उसके आस पास के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ नुकसान और खतरे के हद तक भी लेके जा सकता है आज हम बात करने वाले हैं वो मेंटल कंडीशंस जो साइकोस में शुमार होते हैं अकॉर्डिंग टू अ टू स्टडी पब्लिश इन द लैंडट One इन एवरी seven पीपल इन इंडिया were diagnosed विथ मेंटल डिसऑर्डर्स रेंजिंग from माइल्ड टू सीवियर which means इट इंक्लूड्स डिजीजेस from डिप्रेसिव टू anxiety डिसऑर्डर्स टू सीवियर conditions लाइक like bipolar, schizophrenia, एंड साइकोसिस तो आइए आज हम हमारे गेस्ट एक्सपर्ट से जानते हैं कि साइकोसिस किसे कहते हैं ये क्यों और कैसे होता है और क्या ये पेशेंट्स कभी ठीक हो पाते हैं या नहीं So, please help me in welcoming Dr. Sajid Ali Khan. So, he is a renowned psychiatrist, has over 25 years of experience, has worked in several hospitals, and is a well known member of the Indian Psychiatric Society, the Bombay Psychiatric Society, and the Indian Association of Private Psychiatry. So, please help me in welcoming Dr. Khan. Dr. Uh, Khan, uh, salamu alaikum. Walaikum as salam, shukriya. Thank you so much Jee. for coming. Batae. सर डॉक्टर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारा कंजेक्टर है ये वर्ड पे साइकोसिस तो प्लीज़ हमें बताइए कि साइकोसिस क्या होता है और इसे किसे साइकोसिस कहते हैं साइकोसिस uh, जो है एक टेक्निकल टर्म है जी uh, जब हम साइकोसिस कहते हैं तो ये इसमें काफ़ी सारी बीमारियाँ कवर uh, करते हैं ओके सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि साइकोसिस का जो एक डेफिनेशन है यानी उसका जो uh, जो हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं कि क्या है तो ये हकीकत से नाटा टूट जाना यानी पेशेंट का, का हकीकत से नाटा टूट जाता है okay. अभी आप बोलेंगे हकीकत से नाटा टूटना कैसा होता बिल्बुल. है तो जो चीज़ें हकीकत नहीं है जैसे okay. कुछ आवाज़ें हैं जो हकीकत नहीं है लेकिन पेशेंट को सुनाई देती है ओके। okay. या कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती होती नहीं है लेकिन पेशेंट को दिखाई देती है तो इनको हम लोग हेलुसिनेशंस कहते हैं ओके। कुछ सोच होती है पेशेंट के पास जो हकीकत नहीं है लेकिन okay. पेशेंट को उसके ऊपर यकीन होता है कि वो है जैसे okay. मान लीजिए मैं मिसाल के तौर पर यह कहूँ कि आप मेरे दुश्मन हो okay. अब आप अगर मुझे दिल चीर कर भी दिखा दो कि आप मेरे दुश्मन नहीं हो लेकिन मैं ये कहूंगा कि नहीं आप मेरे दुश्मन हो, हो। ये बिलीफ हो जाता है एकदम okay. मतलब उसको आप हिला नहीं सकते जी तो ये ऐसे जो बिलीफ होते हैं हम इनको डिल्यूजन कहते हैं होता होता है एक होता है हेलुसिनेशन एक डिल्यूजन जी यानी ये जो दो चीजें हकीकत नहीं है बिल्कुल लेकिन और जो हकीकत है उससे मैं दुश्मन नहीं हूँ या आप मेरे दुश्मन नहीं हो लेकिन मेरा नाता टूट गया है नाता जोड़ गया कि आप दुश्मन हो राइट तो जब ये हकीकत से नाता टूट जाता है तो हम लोग उसको साइकोसिस कहते हैं अब ये साइकोसिस के अंदर काफी बीमारियां होती हैं ओके। अलग अलग बीमारियां होती है इलाज अलग अलग होते हैं और उनकी वजह अलग अलग होती है कई बार okay. हार्मोनल होती है कई बार दिमाग के अंदर केमिकल होते हैं उनकी वजह से होती है राइट right. तो so, अगर मैं आपसे पूछूं कि कि जैसे आपने कहा दीज साइकोसिस आर रियलिटी से जो दूर हो गए या तो वो लो लोग की सोच अलग हो गई है या तो उन लोगों को आवाज सुनाई देती है जो नहीं है या तो उन्होंने किसी के बारे में कोई uh, कायम uh, राय कायम कर लिया कि वो हमारा दुश्मन है फॉर एग्जाम्पल सो आपने कहा कि जरा डिफरेंट डिजीजे सो ये क्या डिजीजे डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सोच अलग है तो ये क्या एक अलग डिजीज है क्या है? आ, नहीं आमतौर पर जो साइकोसिस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सोच बदल जाती है बिल्कुल डिल्यूजनस होते हैं हेलूसिनेशन ये दोनों हम पहले बता चुके हैं कि डिल्यूजनस क्या होते हैं हेलूसिनेशन क्या होते हैं तो ये बीमारी को क्या कहते हैं हाँ, नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ okay. तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि Uh, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो खास तौर से स्कीज़ोफ्रेनिया में होता है स्कीज़ोफ्रेनिया okay. एक ऐसी बीमारी होती है okay. जो सबसे बड़ा साइकोसिस हम लोग मानते हैं ओके okay. उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ लोग जैसे दूसरे किसी सेटेलाइट से जैसे मार मार्स से आकर मुझे मारने की फिराक में है oh. कई बार ऐसा होता है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं लोग हमारे ऊपर जासूसी कर रहे हैं सीबीआई हमारे पीछे है या सीआईए हमारे पीछे है और उनको इस चीज़ पर यकीन होता है तो ऐसे लोग घबराते हैं कुछ भी करने पर कई बार उनको ऐसा होता है कि जो लोग वो जो उनके दिमाग में सोच चल रही है जो थाट्स हैं वो उनके दिमाग की आ, सोच नहीं है okay. मतलब कोई तो उनको बाहर से कंट्रोल कर रहा है मतलब okay. दिमाग में ख्याल डाल रहा है या दिमाग से ख्याल निकाल लेता निकाल है और इस चीज़ पर उनको यकीन होता है मतलब वो बहुत क्लियरली आपको डिफ़ाइन करेंगे कि ये थॉट जो है यहाँ तक मेरा है इसके आगे वो जो फलाना मेरा दुश्मन है या जो जो भी है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है okay. उसने ये ख्याल मेरे दिमाग में डाल दिया हाँ कंट्रोलिंग ये थॉट कंट्रोल होता है okay. कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब मैं रस्ते पर चल रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे बारे में बातें कर रहे हैं जबकि हालांकि हकीकत ये नहीं होती है बिल्कुल ये घर के मेम्बरान के बारे में हो सकता है कई बार ये अनोन पीपल के बारे में होता है लोग रस्से पर चलते हैं और किसी को भी कभी कभी मार देते हैं Okay. तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी साइकोसिस रहता बोलते है बोलते हैं नहीं ये मुझे देखकर इसने कुछ इशारा किया या मुझे देखकर इसने कुछ किया मुझे फॉलो कर रहा था हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं होता okay. तो ये जो हकीकत आपने आ, साइकोसिस। तो, आ, जैसे आपने हम लोग भी दिए कोई किसी को मार भी सकता है सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक हादसा सुना था कि एक बच्चा अब उसकी जहनी तो इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने अपने सोते हुए भाइयों की आंखों में मिर्ची डाल दी सो इज दिस अ ऑफ साइकोसिस ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि एक साथ एक इंसिडेंस के बाद में हम ये नहीं कह सकते कि वो साइकोसिस था या नहीं था और भी हिस्ट्री देनी होती है oh, okay. लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपको ये बता दूं कि पेशेंट के जहन में कुछ भी डिल्यूजन आ सकता है जैसे डिल्यूजन हम लोग अलग अलग तरह के बोलते हैं एक होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस okay. यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि रेफरेंस का मतलब ये होता है कि लोग मुझे देखकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं right. या जैसे अगर अभी मान लीजिए अगर आपने अपने चेहरे पे हाथ लगाया और मुझे अगर डिल्यूजन है तो मैं उसके अंदर हिडन मीनिंग निकालूंगा कि ये मैडम ने यह हाथ लगाया इसका ये मतलब ये है कि मेरा चेहरा बहुत खराब है right. और मुझे उस चीज पे यकीन हो जाएगा राइट right. या कोई हिडन मीनिंग था लेकिन तो, ये तो अक्सर हम लोग करते हैं कि कोई हमें देखता है तो हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं सो इज लाइक अ साइन कि हम है वैसा नहीं है उसको okay. कोई एक रॉन्ग मीनिंग देना और उसके ऊपर पूरा बिलीव करना और उसके ऊपर फिर उसके मुताबिक एक्ट करना act करना, okay, act implement करना. अगर मुझे मेरे, मेरे जहन में यह आ गया कि आप मुझे अभी मार दोगे अभी के अभी राइट right. तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा तो भिल्कुण. उसका जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आया है right. उसके ऊपर मैं एक्ट भी करने लगूंगा Okay, so तो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में ऐसा होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक फ़र्द कोई एक इंसान या कोई एक एजेंसी या कोई एक और कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को हम लोग बिजार डिल्यूजन बोलते हैं बिजार का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल नहीं है यानी मैं ये महसूस करूं कि नहीं मार्स के ऊपर जो लोग रहते हैं वो मुझे हार्म करना चाहते हैं ओ, अब मार्स पे कोई रहता नहीं है बिल्कुल। लेकिन मार्स के लोग आके मुझे हार्म करना चाहते हैं और रात में आके मुझे परेशान करते हैं जी। तो ये भी एक तरह का डिल्यूजन होता है इसके अलावा डिल्यूजन में ऐसा होता है कि एक इंसान है जो पूरा एक सिस्टम बनाकर चल रहा है यानी अगर आप मेरे दुश्मन हो मान लीजिए तो आप मुझे डायरेक्ट हार्म नहीं कर रही हो लेकिन आपने okay. मेरे घर वालों को अपने साथ मिला लिया है मेरी बीवी भी -बी जो है वो आपसे मिल गई है Alright. और वो आपके कंट्रोल में है और वो मुझे हार्म करना चाहती है या ऐसा एक पूरा सिस्टम बना लेगा System. वो उसको हम लोग डिलीजनल सिस्टम बोलते हैं okay. और उसके ऊपर उसको यकीन होता है yeah. तो फिर वो अकॉर्डिंगली करता है कई बार आपने सोचा हुआ कॉम्प्लेक्स क्राइम होते हैं राइट right. जैसे बहुत मशहूर किस्सा है हम लोगों के बचपन का मतलब आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे कि वो पत्थर मार वाला किस्सा था तो पत्थर मार वाला जो सड़कों पर लोग सोते थे उनको पत्थर से सर कुचल देता था Right. तो जब वो पकड़ा गया था उसको ट्रीट किया गया था तो उसको साइकोसिस था और उसको सूरज देवता की आवाज़ आती थी, थी कि सूर्य देवता ने उससे कहा है कि जो सड़क पर सो रहे हैं उनको मुक्ति दे दो My तो वो रात में goodness. निकलता था और लोगों के सर कुचल दिया करता था जैसा okay. मैंने सुना है ये एग्जैक्ट वर्जन नहीं है exactly. okay. लेकिन ये एक मिसाल है मिसाल तो ऐसा एक था ऐसे कई बार कॉम्प्लेक्स जो क्राइम होते हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कई बार इनका इंटेलिजेंस अफेक्ट नहीं होता है लेकिन right. इनका जो चीज़ सिर्फ डिल्यूजन होता है जी. जिस हद तक डिल्यूजन है उस हद तक ही इनका वो होगा इमोशंस अटैच अफेक्ट होते हैं इनका इंटेलिजेंस नहीं होता है कई बार हमसे लोग बोलते हैं इनकी याददाश्त तो ठीक ठाक है खाना ठीक ठाक कर रहे हैं अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर ये कैसे पागल है बिल्कुल लेकिन जिस हद तक उनका डिल्यूजन यानी अगर मुझे अगर डिल्यूजन ये है कि आप मेरे दुश्मन हो तो मैं सिर्फ आपके खिलाफ एक्ट करूंगा और लोगों के खिलाफ एक्ट नहीं करूंगा तो बाकी का मेरा फंक्शन नॉर्मल रहेगा तो ऐसे केसेस के अंदर डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिल्कुल अच्छा ऐसे जो पेशेंट होते हैं साइकोसिस वाले उन लोगों को इनसाइट नहीं होती मतलब उनको यह एहसास नहीं होता कि ये हमारी बीमारी है राइट तो कभी भी इलाज करवाना नहीं चाहते हैं उल्टा अगर हम इलाज की बात करें तो वो लोग भड़क जाते हैं और वो लोग लो घर वालों को इल्जाम देते हैं कि आप हमें पागल साबित करना चाहते हो घर वालों को तो हो जाता है ना क्योंकि okay. आ गई है भिल्कुल. दूसरा एक और डिलीजन जो इम्पोर्टेंट होता है जिससे काफी फैमिली अफेक्ट होती है वो होता है डिलीजन ऑफ इनफेडिलिटी यानी शोहर को या बीवी को ये यकीन हो जाना की मेरे शोहर का या मेरी बीवी का किसी से अफेयर है राइट right. और उसके ऊपर उनको यकीन होता है वो लोग जासूसी करते हैं फोन करते हैं कभी कभी प्रोफेशनल जासूसी करते हैं कई बार वो लोग जैसे अगर शोहर है काम पर गया है तो वापस आएगा तो वो अननेसेसरी उल्टे सीधे दाग दिखेगा right. कि नहीं ये स्पम्प के दाग हैं ये यहाँ कोई आकर गया मतलब पानी का दाग होगा बच्चे ने कुछ गिरा दिया होगा लेकिन वो उसको गलत मीनिंग देगा Okay. और इसकी वजह से समाज में कई बार तलाके होती हैं, कई बार इसमें क्राइम होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जी ये काफी कॉमन है lightly, कभी -कभी चोटी -चोटी जो हम लोग को लगता है समवन you know, नहीं उनको शायद वाकई में कोई डिल्यूजन हो गए जैसे डॉक्टर ने हमें अभी एक्सप्लेन किया तो डॉक्टर मेरा ये क्वेश्चन है कि कॉज क्या है कि क्यों वो एक ही इंसान के अगेंस्ट हो जाता है और कोई ऐसी राय कायम कर लेता है कि क्यों होता है जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसके हिसाब से ऐसा है कि दिमाग के अंदर सर्टन चेंजेस होते हैं मतलब सटल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं ब्रेन के अंदर इसमें और केमिकल चेंजेस मेन होते हैं okay, हाँ दिमाग जो हमारा काम करता है जैसे पेट में एसिड होता है बिल्कुल ठीक है तो पेट का काम क्या है खाना हजम डाइजेशन तो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सबको पता है अगर ऐसे एसिड कम हो जाएगा तो भी परेशानी है ज्यादा होगा तो भी परेशानी है।, है तो खाना हजम नहीं होगा जो पेट का फंक्शन है अब दिमाग का फंक्शन क्या है तो दिमाग के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो कहते हैं जी। तो दिमाग का काम है इमोशंस इंटेलिजेंस लैंग्वेज जो हमारा सोचना समझना जो हमारी सारी सलाहियतें हैं जो हमारे स्पेशल सेंसेस हैं जी, जी। तो जब जो पार्ट हमारा अफेक्ट होगा Okay. तो उसके सारे फंक्शन अफेक्ट होंगे okay. या तो सारे होंगे कुछ और केमिकल के बिगड़ने से एंजाइटी होती है okay. तो सारा ये जो खेल होता है सारा केमिकल्स का होता है, है। कई बार ये बीमारियां खानदान में भी चलती हैं okay. लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा होती है जेनेटिक लेकिन कई बार

पेशेंट भी बोलते हैं और रिश्तेदार भी कहते हैं कि नहीं आ, ये बीमार कैसा अक्सर ये सवाल आता है ना कि ये बीमार कैसा है रिपोर्ट सारी नॉर्मल है बिल्कुल बिल्कुल तो जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं वो यहाँ एग्जाम्पल मैं देना पसंद करूंगा जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि फैन चल रहा है ठीक है अब आप इसका फोटो निकालेंगे वीडियो शूटिंग कर लें या अच्छा कैमरा लाएं तो उसके सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा बिल्कुल लेकिन उसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा जी बिल्कुल ठीक है यानी एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है आप जब एम आर आई निकालते हो आप जो ब्लड टेस्ट करते हो आप हार्डवेयर टेस्ट कर रहे हो okay. आप उसका स्ट्रक्चर चेक चेक कर रहे हो जी जो उसका फंक्शन है यानी जो केमिकल चेंजेस है जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट को फोटोग्राफी में नहीं कैद कर सकते बिल्कुल उसी तरह से केमिकल्स को आप एम में नहीं कैद नहीं, कर सकते okay. तो एम रिपोर्ट नॉर्मल आती है घर घर वाले आके हमारे पास इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप एम आर आई करवाइए हम लोग बोलते भी हैं कि नहीं मत करवाइए लेकिन वो लोग बोलते नहीं कई बार क्या होता है कि झगड़ा होता है आपस में जी। ससुराल वाले बोलते हैं नहीं ये बीमारी कैसी हम हमको रिपोर्ट करवानी है जी। हम लोग बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है लेकिन फिर करना पड़ता है जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो कोई भी एक पार्टी फिर समझने को तैयार नहीं होती हम समझाते हैं कि बीमारी तो वो लोग लो समझते नहीं है जी। ते ते एक बीमारी बीमारी और इसलिए हमदर्दी हाँ, भी नहीं मिलती क्योंकि अगर आपको फिजिकली दिखे कि इसका हाथ टूटा हुआ है कुछ है तो लोग आप हमदर्दी करते हैं लेकिन ऐसे पेशेंट की बदकिस्मती ये होती है कि एक तो उनको एहसास नहीं होता है कि उनको बीमारी है और दूसरा क्योंकि इनको एहसास नहीं होता है और बीमारी दिखती नहीं है कोई फिजिकल एलिमेंट दिखता नहीं है तो उनको वैसे भी हमदर्दी नहीं, नहीं है। मिलती है और लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा हो क्या है? राइट है? So, right, जैसे डॉक्टर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि एक तो इसके इडियोपैथिक है यू डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग ऑफ कोर्स लाइक द ब्रेन हैज सेवरल डिफरेंट फंक्शंस जब केमिकल इंबैलेंस होता है ब्रेन में तब जाके ये सब कंडीशंस पैदा होती है सो so, uh, डॉक्टर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा तो cause तो कॉज नहीं समझ पाते ये सिम्टम्स से ही पता चलेगा राइट सिम्टम्स so, से symptoms, ही हम लोग डायग्नोस करते हैं जी तो क्या सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स कानों में आवाज आना कई okay. बार ये आवाजें एक आवाज हो सकती है कि वो रनिंग uh, कमेंट्री जैसी बात करे कि मान लीजिए मेरा नाम साजिद है मेरे कान में आवाज आ रही है तो बोलेगी साजिद उठ जाओ साजिद अभी ये करेगा साजिद जाएगा साजिद नहाएगा okay. तो ये रनिंग कॉमेंट्री जैसी हो सकती है कई बार ये ऑर्डर के फॉर्म में हो सकती है कि साजिद उठो जाओ जाके उसको मार दो कई बार ये एक से ज़्यादा आवाजें हो सकती है जो आपस में बात कर सकती है कि साजिद और पैक हाँ, उस पे एक्ट करता उस पे है करता है कि जैसे समझ लीजिए वो मेरे बारे में बात कर रही है दो आवाजें मेरे कान में आ रही हैं वो कहेंगी साजिद होमोसेक्चुअल है मतलब ये नॉर्मली डेरोगेटरी होती है या तो एक मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ बोलेंगी ये आवाज़ें या मजहब के खिलाफ बोलेंगी okay. या दूसरे के मजहब के खिलाफ बोलेंगी oh. तो so ऐसा होता है तो ये आवाज़ें बात कर होती है और वो आवाजें मेरे लिए रियल हैं अगर मैं मुझे साइकोसिस है तो मेरे लिए वो आवाजें रियल हैं okay. मैं उनको हकीकत मानूंगा और मैं कहूंगा नहीं ठीक है ये ऐसा ही है राइट right. तो एक तो ये हेलूसिनेशन है, होते हैं कई बार सोमेटिक सोमेटिकलुसिनेशन होते हैं जिसको हम लोग फॉर्मिकेशन बोलते हैं या फिर ये डिल्जनल पैरासाइटोसिस कहते हैं यानी कई बार पेशेंट कन्विंस होता है कि उसको जिसम से कीड़े निकलते हैं ऐसे oh पेशेंट आते हैं और वो ऐसे निकाल कर आपको मारकर भी दिखाएंगे आपको नहीं दिखेगा लेकिन वो लोग बोलेंगे देखो ये है ओके okay. और वो उसके लिए कई स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा चुके, जा होते हैं। चुके होते हैं। हाँ, और मुझे एक बात कहनी सॉरी अबाउट इंटरप्टिंग यू लेकिन जैसे हमने कभी सुना है कि जब ये जो आवाजें आती है लोग को ऐसा लगता है कि ये साये में है किसी कुछ घुस गया है इसके अंदर भूत पे पीपल

हीड वी पेट टू राइट? जैसा आपने अभी पूछा कि ये सारी चीजें जो होती है लोग जो मजारों पर या दरगाहों पर जाते हैं या फेथ हीलिंग हम लोग बोलते हैं yes. हर, हर, हर एक कल्चर का हिस्सा है right. सिर्फ मुसलमानों में नहीं हैल्चर में, में है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है की जो हमारे बस में जब नहीं होती हैं जैसे वेन वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अवर थिंग्स या हमारी लाइफ के बारे में बिल्कुल तो बिल्कुल. वो हम लोग उसको करते हैं कि चुरल है कुछ ना कुछ right. जैसे अगर आप आज से सौ साल पहले अगर चले जाओ जी। तो किसी को अगर बुखार होता था जब पैरासीटामॉल नहीं था या मलेरिया की दवाएं नहीं थी या एंटीबायोटिक नहीं थे जी जी तो लोग बुखार भी झड़वाने के लिए जाते थे ओके okay. हाँ बुखार झड़वाया oh. जाता था गांव में आप अगर अपने दादा परदादाओं से पूछेंगे अपनी पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे कि लोग बुखार उतारने के लिए भी झड़वाया करते थे ओके। या सरदर्द के लिए भी लोग झड़वाने जाते थे कि बहुत ज्यादा सरदर्द है बिल्कुल या दिल्कुल। कोई ना कोई लोकल रेमेडी होती थी कहीं इलाज करवाते थे या अक्सर लोग झड़वाया करते थे ओके। जैसे दवाएं इजाद हो गई तो लोग आज अगर कोई झड़वाने जाएगा तो आप उसको बेवकूफ़ कहोगे बिल्कुल तो ये चीजें एक तो सबसे ज्यादा ये की इतनी कॉमन नहीं है साइकोसिस वगैरह बिल्कुल और अगर ये कॉमन होती है और जब इसका इलाज होता है तो एक फैमिली जब ट्रीट होती है तो दस फैमिली को पता चलता है कि नहीं ये बीमारी है तो कहीं ना कहीं से दूसरे पेशेंट भी आते हैं बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम लोग वो ना पूरी तरह से हम लोग इस पार है ना उस पार है बीच में है तो लोग फिर भी फेथ हीलिंग के लिए जाते हैं और हम उनको रोकते भी नहीं है क्योंकि हर कल्चर का हिस्सा है ओके। okay. तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप दवाएं भी करवाइए दुआएं भी करवाइए okay. ठीक है लेकिन दवा बन right. क्योंकि अगर आप अगेंस्ट जाओगे उनके तो देन नहीं लोगों को बुरा भी लगता है और लोगों के बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है सेंसिटिव टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है तो हम लोग अक्सर यही सलाह देते हैं कि आप लोग दवाएं भी करवाइए साथ में आपको करवाया था आप दवाएं भी करवाइए हम रोकते नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हु इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइकोसिस साइकोसिस जो है जैसा मैंने आपको बताया कि इडियोपैथिक है जी। कोई वजह नहीं है लेकिन कुछ ग्रुप होते हैं जो इंक्रीज रिस्क में होते हैं okay. इनमें सबसे पहले तो जो होते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है mm -hmm. एक पेरेंट को है तो 10 से 12 परसेंट चांसेस ज्यादा होते हैं okay. अगर दो दोनों दोनों पेरेंट्स को है यानी माँ बाप दोनों को अगर है तो कम से कम 30-40 परसेंट रिस्क ज्यादा हो जाता ओ, है ओके। okay. इसके अलावा डिलीवरी के बाद में दस हजार में से आठ हजार में से एक लड़की को ऐसा हो सकता है हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ओके। okay. उसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है इसको हम लोग पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं ओके okay. ओके okay, एक तो ये होता है और जो काफी आसानी से ट्रीट भी हो जाता है ओके। okay. इसके अलावा जो नशा करने वाले हैं हर एक नशे से साइकोसिस हो सकता है सबसे कॉमन है अल्कोहल और कैनाबिस केनाबिस यानी चरस गांजा भांग

साइकोसिस ये होते हैं इसके अलावा कई बार बच्चों में भी साइकोसिस देखा जाता है साइकोसिस पाँच साल या उससे ऊपर के बच्चे को भी हो सकता है इसमें सबसे कॉमन जो सबसे डेंजर और सबसे कॉमन जो होता है वो स्कीजोफ्रेनिया होता है ओके तो इतने छोटे बच्चों को भी हो सकता हो सकता है लोग बोलते हैं इसको क्या टेंशन है ये जो सबसे एक गलत फहमी लोगों में है कि कोई टेंशन होगा जी तो ही बीमारी होगी जी। ये एक सबसे बड़ा मिसकनसेप्शन है बिल्कुल मतलब अगर मैं आपको रोज बिरयानी खिलाऊं और वो भी एकदम अच्छे से अच्छी बिरयानी खिलाऊं तो आपका पेट खराब नहीं होगा ऐसा है ऐसा क्या? ऐसा नहीं है बिल्कुल तो उसी तरह से आपके हालात सारे अच्छे होंगे लेकिन बीमारी अगर आपको होनी है तो हो जाएगी हो जाएगी और दूसरा एक चीज ये होती है कि लोग बोलते हैं कि नहीं हालात सबके एक जैसे हैं एक ही फैमिली में लोग रहते हैं तो फिर एक फैमिली में रहने वाले एक को हुआ दूसरे को क्यों नहीं हुआ तो उसका अभी हम लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हैं जो हम साइंटिफिक नहीं है लेकिन जो सब लोगों की समझ में आ जाता है वो यही है कि अगर एक ही मान लीजिए मुझे एक माइनर गैस्ट्राइटिस है या मेरे पेट में एक अल्सर है जी। और मैं दस लोगों के साथ एक घर में रह रहा हूँ सेम खाना शेयर कर रहा हूँ सेम पानी पी रहा हूँ लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिर्ची ज़्यादा होती है जी। तो मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी बाकी नौ लोगों को नहीं होगी तो इसी तरह से अगर एक घर में दस लोग रहते हैं और मामूली कोई टेंशन आता है या बड़ा टेंशन आता है जी, तो 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 रिएक्शन अलग अलग होगा अलग होता है 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 अगर कोई पहले से प्रोन है, कोई पहले पहले से से प्रोन यानी साइकोलॉजी उसको ये जल्दी जल्दी असर तो करेगा तो वो करे जल्दी उसका ब्रेकडाउन हो सकता जैसे कि सर्दी के मौसम में सबको सर्दी नहीं होती किसी को होती कुछ नहीं मेल और फीमेल में दोनों सेम होता है मोस्टली परसेंटेज वाइज लेकिन रिजल्ट फीमेल्स में ज्यादा अच्छे आते हैं ओके ट्रीटमेंट हाँ इसमें जो होता है कि रिजल्ट जो होता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो होते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस होते हैं okay. एज ऑफ ऑनसेट जो हम लोग बोलते हैं कि पहला एपिसोड साइकोसिस का कब आया जी. जितनी कम उम्र में आएगा उतनी शिद्दत ज्यादा होगी उतना इलाज मुश्किल होता है Oh, अगर okay. टीन एज में आया है तो उतना इलाज मुश्किल होता है उतना ज्यादा शिद्दत होती है बीमारी की uh -huh. और उतना ज्यादा सीवियर होता है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते ओके। okay. अगर यही चीज तीस साल के बाद आए और अगर आपका कहो पंद्रह साल में आया तो पंद्रह साल वाले का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना तीस साल वाले का आता है ओके। फीमेल के अंदर रिजल्ट अच्छे आते हैं बनस्बत मेल के इफ यू आस्क मी साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है बट देर आर स्टिल

ये इंसान ऐसा है। हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं कि ये थोड़ा सनकी है ये थोड़ा ऐसा है ये वैसा है जी, जी. तो हम उसको इलाज कब करते हैं okay. ठीक है जब तक इंसान का जो बिहेवियर है उससे उसको खुद को तकलीफ नहीं हो रही है mm -hmm. या वो दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहा है तब तक हम इलाज नहीं करते oh, okay. हाँ अगर जैसे मेरे अंदर कोई ट्रेड्स हैं मुझे mm -hmm. अगर मान लीजिए मुझे मेरे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम है जी। लेकिन मैं अपना रोज़ का काम कर रहा हूँ मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ आप मुझे और समझते हो थोड़ा सा और मैं परफेक्टली ऑल राइट और किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ तो आई वुड से वुन नहीं होता है मत करो जब तक क्लिनिकली इन एनी क्लिनिकली हम जब इलाज करते हैं मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपका वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है आपका काम अफेक्ट हो रहा है ओके okay. जैसे कुछ बीमारियों में इंसान हाथ बार बार धोना नहाने के लिए ज्यादा टाइम लेना तो अगर आपका जो काम पहले दस मिनट में होता था अब आप दो घंटे लगा रहे हो कुछ लोग नमाज के अंदर उनको इतमान नहीं होता कि नमाज हमने ठीक से पढ़ी बार बार दोहराते हैं तो अगर आपकी नमाज पहले दस मिनट में हो जाती थी अब आप दो घंटे में पढ़ रहे हो नमाज ही पढ़ते जा रहे हो या अगर आपका कोई भी बर्ताव ऐसा है जिससे आप अपने लिए खतरा हो Okay. दूसरे के लिए खतरा हो ओके okay. या अपने आप को नुकसान कर रहे हो या दूसरे को नुकसान कर सकते हो या कर रहे हो mm -hmm. तो इलाज की जरूरत होती जरूरत. है क्वेश्चन ये आप ट्रीटमेंट डिले करते हो लाइक लाइक इट नॉट अवे तो वो सीवियर नहीं उन बढ़ते नहीं जाता मीनिंग स्टेज it मतलब इस आमतौर पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ट्रीटमेंट में ज्यादातर okay. साइकोसिस जो होते हैं ना ये रिकरिंग इलनेस होती है मतलब बार बार होने वाली होती है और कुछ क्रॉनिक होती है यानी कंट्रोलेबल होती है क्यूरेबल नहीं होती है जैसे इज right. है ब्लड प्रेशर की तरह है डायबिटीज की तरह है कंट्रोलेबल नहीं है यू कैन मैनेज इट और मैनेज इट वेल मतलब पेशेंट कैन बी रिहैबिलिटेटेड बैक इनटू द सोसाइटी दे कैन टेक केयर ऑफ देयर डेली अफेयर्स राइट एंड दे कैन लिव मोर और लेस अ वेरी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ ओके लेकिन ये होता है कि इसके अंदर काफी मेहनत लगती है घर वालों की तरफ से पेशेंट पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होते क्योंकि वो अपने आप को बीमार नहीं समझते नहीं कुछ पेशेंट होते हैं जो समझते हैं और बराबर इलाज करवाते हैं लेकिन अक्सर पेशेंट जो होते हैं जी। वो कॉपरेट नहीं करते तो घर वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम कब तक ध्यान दें बिल्कुल लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है घर का मेम्बर है जी तो उसको अच्छे से जीने के लिए हमें जो भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं करनी चाहिए बिल्कुल और दवाएं लगती हैं स्किजोफ्रेनिया में अक्सर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इलाज लगता है कंट्रोलेबल है क्यूरेबल नहीं है कुछ साइकोसिस ऐसे होते हैं जो एपिसोड्स में आते हैं कि एक बार आ गया अब दस साल नहीं आएगा पंद्रह साल नहीं आएगा oh, okay. या किसी को आएगा तो हर साल आएगा तो अगर ऐसा होता है तो उस वक्त इलाज करवाइए अच्छे इलाज मौजूद हैं दवाइयाँ अच्छी अच्छी हैं इट्स मैनेजेबल मैनेजेबल बिकॉज लाइक यू नॉट हर एक साइकोसिस लाइफ लॉन्ग ंग ऐसा नहीं है लेकिन okay. अक्सर साइकोसिस लाइफ लॉन्ग होते हैं okay. और दूसरा ये होता है क्योंकि लाइफ लॉन्ग होते हैं तो लोगों के अंदर दवाओं को लेने का जो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि अक्सर इन दवाओं से थोड़ी नींद भी आती जी. है तो लोगों के जहन में ये होता है कि ये नार्कोटिक्स हैं ये किडनी फेल कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल या, है तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये नार्कोटिक्स नहीं होते ये स्लीपिंग पिल्स नहीं होते जी दवाओं में थोड़ी नींद होती है तो दवाओं में नींद होती है इसलिए लोगों को लगता है ये स्लीपिंग पिल्स हैं ओके लेकिन शुरुआत में पेशेंट को दवाओं से नींद की जरूरत होती है इसलिए हम देते हैं बाद में अगर पेशेंट काम कर रहा है तो ऐसी दवाया भी होती हैं जिनमें नींद कम है, है। okay. तो वैसी हम दवाइयाँ दे सकते हैं mm -hmm. कभी कभी कुछ पेशेंट्स को शॉक ट्रीटमेंट भी लगता है जिसको लोग हाँ हमने कि वो चेयर में बिठा के चेयर में नहीं बिठाते सबसे सबसे ये बड़ी गलत फहमी है आजकल तो लोग जो हमारे काफी डॉक्टर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इंजेक्शन देते हैं शॉक नहीं देते okay. क्योंकि पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है okay. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शॉक ट्रीटमेंट किसी तरह की सजा नहीं है जी आप पेशेंट के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहे हो बिल्कुल शॉक ट्रीटमेंट को जो नाम बर्बाद किया है वो मीडिया ने बर्बाद किया है और फिल्मों ने बर्बाद किया है या वो एग्जेजरेटेड वर्जन दिखा के जी शॉक ट्रीटमेंट जैसा दिया जाता है अगर आप साइंटिफिकली देखो तो जो शुरुआत में शॉक ट्रीटमेंट दिया गया था दिया जाता था उस वक्त पेशेंट को बेहोश नहीं करते थे okay. डायरेक्ट शॉक देते थे शॉक का करंट रेगुलेट नहीं होता था तो शुरुआत में जब ट्रीटमेंट आया mm -hmm. तो उस वक्त काफी हादसे हुए कि लोगों की हड्डियाँ टूट गई लोगों को कुछ ज्यादा जोर का झटका लगा बर्नस हो गए okay. शुरुआत में mm -hmm. जी, जब जी, नया नया ट्रीटमेंट आया था और वो कम से कम पचास साठ साल सौ सत्तर साल पहले की बातें हैं लेकिन अब जो शॉक ट्रीटमेंट के लिए मशीनें आती हैं वो मशीनें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं कंप्यूटराइज होती हैं ओके okay. तो आप काफ़ी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर करते हो काफ़ी लो डोज में जिससे पेशेंट को ना कोई दिमाग में नुकसान होता है ना बॉडी में नुकसान होता है ओके okay. पेशेंट को पता भी नहीं चलता लोग नस में एक सुई लगाते हैं बेहोश करने की okay. पेशेंट सो जाता है पेशेंट को पता भी नहीं चलता है पेशेंट एक मिनट में बेहोश होता है करंट जो हम पास करते हैं वो मुश्किल से दो सेकेंड एक सेकेंड के तो, okay. oh. तो, okay. तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता लोग बोलते हैं इंजेक्शन है वो लेकर घर आ गए सुबह खाली पेट आना है आप इंजेक्शन लीजिए घर आ जाइए ओपीडी प्रोसीजर है कोई नुकसान नहीं होता कुछ नहीं होता है कुछ टाइम के लिए पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है या पेशेंट की बॉडी में दर्द हो सकता है करंट जाने की वजह से तो दर्द की हल्की गोली ले लीजिए पेशेंट ठीक हो जाएगा कहां लगता है दोनों माथों पे ओके okay. वहां पे लगता है सो इट इज स्पेसिफिकली फॉर द ब्रेन यस टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्रेन यस और वो भी एक ही साइड लगता है इलेक्ट्रोड oh, हम okay. दोनों तरफ प्लेस करते हैं लेकिन करंट एक ही साइड से जाता है ओह ओके सो ये कितने सेशंस लगते हैं टू गेट अ पेशेंट टू क्योर अ पेशेंट और ये भी एक की जो बीमारी है।, है उसकी सीवियरिटी के ऊपर होता है आठ लगते हैं दस okay. से चौदह तक लगते हैं okay. किसी किसी पेशेंट में बीस तक भी डिजीज so कई बार क्या होता है दवाएं काम नहीं करती है पेशेंट okay. सुडल है पेशेंट होमिसाइडल है यानी किसी को मारने पर तुला हुआ है जी. मुझे मेरे जहन में यह आ गया कि अगर मैं आप आज को खत्म नहीं करूंगा आज आपको तो आप मुझे खत्म कर दोगी या मैं कुछ ये नहीं करूंगा right. तो ऐसी सूरत में अगर मैं आपका मर्डर ही करने वाला हूँ बिल्कुल और मैं दवा खाने को तैयार नहीं हूँ तो जल्दी आपको कंट्रोल करना है मुझे कंट्रोल करना है जी। तो शॉक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन इट्स बेस्ट ऑप्शन सो लाइक अ फास्टर फास्टर मोड ऑफ ट्रीटमेंट सेफर मोड ऑफ ट्रीटमेंट और दवाओं से जल्दी काम होता है और एक बार कंट्रोल हो गया तो फिर आप दवाएं शुरू कर सकते हैं बिल्कुल ओके सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिटवीन एपिसोड जैसे आपने कहा कि सम पीपल आर इन दिस डिल्यूजनल फेस कंसिस्टेंटली सम पीपल एक्सपीरियंस इट इन स्पोरेटिक्स या इन एपिसोड सो तभी वो एकदम ही नॉर्मल होता है बीच में नॉर्मल होते हैं कई सो इवन इफ इज दैट इफ इज हैज अ डिल्यूजनल सिम्टम

अगर ये मेरा ब्रेक डाउन होता है कि मैं और पूरा ग्रुप लोगों को दस बीस लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लूं। और आगे बढ़ जाए मेरी बीमारी तब शायद मुझे दवा की जरूरत पड़े। बिल्कुल, okay. so, sir, जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इट इज नॉट एज हैज बीन प्रोजेक्टेड वैसे ही हमने uh, कितनी बार बांधा बांध के रखते हैं एंड आर टाइड एंड देर हैंड कफ सो so, ये क्या इसका इसकी क्या जरूरत है एंड इज द नीड एंड हाउ इज़ इट सपोज टू बी एक्चुअली एक्चुअली एज पर द मेंटल हेल्थ एक्ट जो टू थाउजेंड से पास हुआ है okay. तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है बहुत ज्यादा वायलेंट है और किसी को नुकसान पहुँचा सकता है तो दो साइकेटिस्ट सर्टिफाई करेंगे okay. तो उसके बाद में आप उसको जबरदस्ती भी एडमिट कर सकते हो एडमिट करके उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करेंगे. द्रीट करेंगे. द्रीट करेंगे। घर पर बांध कर रखना या किसी मज़ार पर बांध के रखना

पहला एपिसोड जो साइकोसिस का होता है तो हम लोग छः महीने से साल भर दवा देते हैं उसके बाद रोकने की कोशिश करते हैं okay. दवाएं रोकने के बाद में कुछ लोगों को रिलैप्स होता है यानी बीमारी दोबारा आती है okay. कुछ लोगों को नहीं आता सालों साल भी नहीं आता या कभी आता है तो दस साल बाद पाँच साल बाद okay. या दो साल बाद आएगा right. तब इलाज कर लेंगे दूसरे एपिसोड के बाद में हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि तीन साल से पाँच साल आप इलाज करवा लीजिए अगर तीन से ज्यादा एपिसोड होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप इसको कंट्रोल करना पड़ेगा दवाया दे लीजिए परेशानी दवाओं में सबसे बड़ी ये आती है कि रोज़ दवाइयाँ खानी होती है दवाइयों के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं एक तो वज़न बढ़ जाना होता है ओके और दूसरा जो होता है किडनी लिवर हार्ट आमतौर पर कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है इसमें ओ, ओके। लोगों का सबसे बड़ा जो मिसकनसेप्शन होता है कि आमतौर पर जो दवाइयाँ होती हैं हर एक दवा किडनी को ख़राब कर देगी और अक्सर कुछ डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर होते हैं या केमिस्ट शॉप वाले होते हैं वो भी ये कहते हैं कि नहीं आप इतना खा रहे हो आपकी किडनी फेल हो जाएगी इन दवाओं से आम तौर पे जो हम दवाइयाँ देते हैं उनसे किडनी पे कोई असर नहीं होता ना हार्ट पे होता है ओके। वजन बढ़ता है और कुछ लोगों में हर एक पेशेंट में नहीं सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसका जो सबसे मेन रीज़न होता है ये दो मेन रीज़न होते हैं दवाइयाँ छोड़ने के छोड़ने के जिन पेशेंट को एहसास भी होता है कि हमको दवाओं की ज़रूरत है तो अक्सर वो लोग दवाइयाँ इस वजह से छोड़ते हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा है या उनको सेक्शुअल साइड इफेक्ट आ रहे हैं Right. तो ये दो चीजों को हम टैकल कर सकते हैं नई दवाएं जो आई हैं, उनसे वजन भी उतना नहीं बढ़ता है right. आप डाइटिंग कर सकते हो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आपका yes. दिमाग अगर सही है तो जिंदगी सही है True, and ideally, जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अच्छी नहीं है तो नो पॉइंट इन जस्ट लिविंग योर लाइफ यू हैव टू श्योर कि आपने आपके जो अंडरलाइनिंग uh, कॉज है उसको hmm. आपने ट्रीट किया है

आर एज रियल एज फिजिकल इलनेसेज और मे बी मोर सीरियस क्योंकि बीमारियां जहां दिखती हैं वहां आप उसका इलाज करोगे जहां नहीं दिखती तो आपको भी तकलीफ़ हो सकती है आपके घर वाले किसी क्लोज मेम्बर को तकलीफ़ हो सकती है तो जहां तक हो सके इसके बारे में जानकारी हासिल करें और जहां भी बीमारी दिखे तो उसका इलाज करें इलाज अच्छा इलाज बहुत बासानी दस्तियाब है अपने कम से कम इंडिया के अंदर okay. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है साइकट हर जगह अवेलेबल हैं तो इलाज करवाना चाहिए All right. Thank you so much for your time, sir. Thank you so thank much. Thank you. सो so, नाजीन जैसे हमने देखा कि साइकोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है ऑफ़ कोर्स इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल इट इफ़ यू डू नॉट ट्रीट इट लेकिन कैसे करेंगे जब आपको अवेयरनेस होगी तब तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ऐसी कोई सिम्टम दिखे तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना क्रेज ना करें यू हैव टू गो एंड मीट अ मेडिकल एक्सपर्ट एंड स्पेशली मैं खास तौर पे फैमिली मेंबर्स को कहूंगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ सफरिंग अ मेडिकल कंडीशन